सो गाइज, इस वीडियो में हम बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी एम सीरीज के अब तक के बेस्ट स्मार्टफोन के बारे में, जो कि मार्केट में आपको देखने को मिलेगा 30 तारीख को। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गैलेक्सी M31S स्मार्टफोन के बारे में। ये स्मार्टफोन दोस्तों इंडिया में 30 तारीख को लॉन्च होने वाला है और ये ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है, तो ये काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ है सभी सैमसंग के फैंस के लिए। अगर आप भी दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी एम सीरीज़ के फ़ैन हैं और आपको चाहिए एक कमाल का स्मार्टफोन एक अच्छे प्राइस पे, तो सैमसंग गैलेक्सी M31S आपकी नेक्स्ट चॉइस हो सकता है। तो इस वीडियो में दोस्तों इस स्मार्टफोन की सभी स्पेक्स और इसके प्राइस के बारे में हम बात करेंगे और देखेंगे दोस्तों कि एक ऐसा ऑप्शन हो सकता है सभी कस्टमर्स के लिए। तो दोस्तों, आप सबको पता है कि इस साल सैमसंग गैलेक्सी M31 हमें देखने को मिला था और एक अच्छे प्राइस पे काफी अच्छी स्पेक्स आपको देखने को मिलती हैं। यहीं पे दोस्तों इसका सक्सेसर अब लॉन्च होने वाला है और फाइनली दोस्तों इसकी लॉन्च डेट है 30 जुलाई। 30 तारीख को ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा, लेकिन उससे पहले ही हमारे पास काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इस स्मार्टफोन के बारे में आ चुकी हैं और यहाँ पे काफ़ी सारे बड़े चेंजेस किए गए हैं जो कि आपको काफ़ी पसंद आएंगे। सबसे पहला चेंज है दोस्तों इसके डिज़ाइन में। इस स्मार्टफोन का डिज़ाइन अब तक गैलेक्सी एम सीरीज के किसी भी स्मार्टफोन से बेटर है और सबसे पहले देखने को मिलेगी यहाँ पे आपको इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे सेंटर में एक पंच होल दिया गया है जैसे कि आपको गैलेक्सी A51 या 71 वगैरह में देखने को मिलता है और दिखने में ये स्मार्टफोन को काफ़ी प्रीमियम और स्टाइलिश बनाता है। इसके बैक डिज़ाइन में भी दोस्तों आपको चेंज देखने को मिलेगा और यहाँ पे अब की बार आपको एक ड्यूअल कलर की ग्रेडियंट फिनिश देखने को मिलेगी। अभी तक फिलहाल इसका एक ही कलर लीक हुआ है जिसमें कि व्हाइट और ब्लू का कॉम्बिनेशन है और दिखने में काफी स्टाइलिश लग रहा है। तो डिजाइन वाइज डेफिनेटली एक गुड लुकिंग स्मार्टफोन है और काफी अच्छी इंप्रूवमेंट सैमसंग ने की है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे दूसरी इंप्रूवमेंट की बात करें तो वो होने वाली है इसकी डिस्प्ले में। आप सबको पता है सैमसंग स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले कितनी अच्छी होती है और यहाँ पे दोस्तों आपको एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी जो कि फुल एचडी रेजोल्यूशन के साथ में आएगी। यहाँ पे कमाल की बात यह है कि इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले है जो कि सैमसंग गैलेक्सी एम सीरीज में आपको पहली बार देखने को मिली है। इससे पहले ये गैलेक्सी ए सीरीज के काफी सारे स्मार्टफोन्स में आप देख चुके हैं। तो नोच की बजाय दोस्तों इस बार इन्होंने सेंटर में एक पंच होल दिया है जो दिखने में काफी स्टाइलिश है और डेफिनेटली आपके ओवरऑल एक्सपीरियंस को भी बेटर बनाएगा जब भी आप डिस्प्ले पे कुछ देखते हैं। इस स्मार्टफोन की दूसरी मेन हाईलाइट है दोस्तों इसकी बैटरी। यहाँ पे दोस्तों अब तक की सबसे बड़ी बैटरी आपको देखने को मिलती है जो कि 6000 mAh की है और यही सेम बैटरी आपको M31 में भी देखने को मिली थी। लेकिन दोस्तों अच्छी बात यह है कि इन्होंने यहाँ पे इसकी फास्ट चार्जिंग में इंप्रूवमेंट किया है। इस बार आपको 25 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगी। तो 6000 mAh की बैटरी और 25 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग आपको काफी कमाल का बैटरी बैकअप देंगे और आप अपने स्मार्टफोन को काफी लंबे टाइम तक यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको रिवर्स चार्जिंग का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, तो अगर आप अपने किसी गैजेट को चार्ज करना चाहते हैं जल्दी से तो ये आपके लिए यूजफुल हो सकती है आपके स्मार्टफोन से ही। अगर बात करते हैं दोस्तों थर्ड इंप्रूवमेंट की, तो ये होने वाला है इसके कैमराज में। आप सबको पता है कि सैमसंग गैलेक्सी M31 में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिला था जिसमें कि प्राइमरी कैमरा था 64 मेगापिक्सल का। इसमें भी दोस्तों आपको सेम 64 मेगापिक्सल का एक क्वाड कैमरा सेटअप दिया जाएगा, लेकिन इस बार इन्होंने काफी सारे नए फीचर्स इसके अंदर ऐड किए हैं। यहाँ पे इन्होंने ना सिर्फ इसके कैमरा क्वालिटी में इंप्रूवमेंट किया है बल्कि दोस्तों आपको सैमसंग की तरफ से सिंगल टेक फीचर भी देखने को मिलेगा जो कि आपके लिए काफी यूजफुल हो सकता है। यहाँ पे जब भी आप इस फीचर को यूज करेंगे आप मल्टीपल फोटोज और वीडियोज सिर्फ एक टेक में ले सकते हैं और उसके अंदर से परफेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। ये फोटोज और वीडियोज दोस्तों आप अलग अलग जगह यूज कर सकते हैं आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो ये काफी हेल्पफुल होगा सभी कस्टमर्स के लिए। इसके अलावा काफी सारे नए फीचर्स और इंप्रूवमेंट्स भी आपको कैमरा में देखने को मिलेंगे, तो इसके लिए भी आप वेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसके प्रोसेसर के बारे में। तो अभी तक जो लीक्स आए हैं वहां पे यही पता लगता है कि इसके अंदर आपको सेम एग्जिनोस 9611 चिपसेट देखने को मिलेगा, लेकिन अभी तक ये कोई कंफर्म जानकारी नहीं है, ये सिर्फ लीक्स के बेसिस पे है। इसके प्रोसेसर और फ्रंट कैमरा को छोड़ के बाकी सभी डिटेल्स इस स्मार्टफोन की आ चुकी हैं और काफी अच्छे प्राइस के ऊपर ये लॉन्च होगा। यहाँ पे दोस्तों ये स्मार्टफोन उन कस्टमर्स के लिए है जिनको कि एक कमाल का डिस्प्ले चाहिए, सुपर एमोलेड, एक अच्छा डिजाइन चाहिए, एक बड़ी बैटरी चाहिए और एक अच्छा कैमरा चाहिए। अगर आप ज्यादा गेमिंग वगैरह करते हैं और आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए तो आपके पास सैमसंग के अलावा बाकी सभी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्योंकि सैमसंग के स्मार्टफोन्स में आपको थोड़ी कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है अगर हम बात करते हैं प्रोसेसर की। लेकिन अदरवाइज दोस्तों अगर आप चाइनीज स्मार्टफोन नहीं लेना चाहते हैं और आप 20-22 हज़ार रुपए में एक कमाल का स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो सैमसंग गैलेक्सी M31S आपकी नेक्स्ट चॉइस हो सकता है। यहाँ पे डेफिनेटली आपको एक कमाल का डिजाइन, एक अच्छी डिस्प्ले, एक अच्छा कैमरा और एक अच्छी बैटरी देखने को मिलेगी जो कि बाकी किसी स्मार्टफोन में हार्डली आपको देखने को मिलती है। तो डेफिनेटली दोस्तों आपको 30 तारीख का वेट करना चाहिए जब ये ऑफिशियली लॉन्च हो जाएगा, उसके बाद पता लगेगा कि इसका प्राइस क्या होगा और ऐसा एक्सपेक्टेड है कि ये 20,000 के आसपास ही आपको देखने को मिलेगा। आप हमें बताइए दोस्तों कि आप सैमसंग गैलेक्सी M31S के बारे में क्या सोचते हैं और आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो एक लाइक कर दीजिए, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हैं तो ऐसी टेक वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।